हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बनाई हूँ देखिए सब्ज़ी। तो आप सब पहचान के बताइए किस चीज़ का सब्ज़ी है, कौन सा सब्ज़ी है, आप सब बताइए फ्रेंड्स। तो मैं आज इसका रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी और कुछ भी आगे ब्लॉगिंग में दिखाऊँगी आप सबके सबको। तो बने रहिए आप सब, मेरा फुल वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और ये रेसिपी तो पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप सब इस तरह से बना सकते हैं। तो बस अभी ये है शाम का टाइम और मेरा बेटा का हो रहा था यहाँ पे पढ़ाई, और पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं छत पे, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ा सा घर से बाहर निकलने से अच्छा लगता है। तो खुद भी चले जाइए, टहल लीजिए और बच्चे को भी थोड़ा सा साथ में खेल लेता है वो, तो अच्छा लगता है उसके साथ में, क्योंकि बच्चा को तो अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे और मेरे साथ मेरा बेटा भी है और मैक्सू भी है, उसका जो डॉगी है। सो आप सब तो डॉगी को उसको पहचानते ही होंगे, मैक्सू को। तो बस यहाँ पे हम लोग का हो रहा है, मतलब मैं इस तरह से टहल रही हूँ और मेरा बेटा खेल रहा है। और मैं आज साड़ी पहनी हूँ फ्रेंड्स, तो बताइएगा मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और क्योंकि मुझे ना साड़ी बहुत पसंद है, साड़ी पहनना ही पसंद है, और मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बहुत पसंद आता है साड़ी में। जब मैं वीडियो डालती हूँ तो सब बहुत अच्छा कमेंट करते हैं कि दीदी आप साड़ी पहना करो, साड़ी में अच्छी लगती हो। तो बस मैं यहाँ पर साड़ी का ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आपसे बताइएगा कैसा लगा मेरा साड़ी, ठीक है। तो बस शाम हो चुका है, देखिए अब अंधेरा होने वाला है, तो बस थोड़ी देर में हम सब नीचे आ जाते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं। और बस यहाँ पे नीचे मैं आ गई, थोड़ी देर बैठी अपने बेटा के साथ, उसे पढ़ने के लिए बैठा दी, उसके बाद मैं अब आ गई खाना बनाने के लिए किचन में। तो यहाँ पे मैं एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है कच्चू पत्ता, जो होता है ना कच्चू पत्ता की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है खाने में। तो बस इसे मैं धो ली हूँ अच्छी तरह से, धो के जो पीछे का जो होता है ना तो वो मैं तोड़ चुकी हूँ, दिखाई मैं आप सबको, और तोड़ के उसके मैं साइड में रख दी हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन, तो बेसन आप सब जानते ही होंगे, तो इस सब्ज़ी में बेसन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगता है। तो बस यहाँ पे क्योंकि इसमें बेसन पूरा लगाना है इसको अच्छी तरह से, बेसन से ही बनता है, तो यहाँ पे मैं 6-7 चम्मच बेसन डाल चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाली हूँ नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला और जो लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं डाल दी हूँ। और आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आप डालें। अब मैं यहाँ पे अचार डाल रही हूँ, आम का जो अचार होता है ना वो, तो इसमें खटाई बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो कच्चू पत्ता होता है ना काटता है, गला में लगता है, तो कच्चू का सब्ज़ी से भी लगता है ना, इसलिए इसमें भी थोड़ा खटाई पड़ता ही है। तो आप आमचूर पाउडर डालें या इस तरह से अचार डालें, और डाल के सबको मिला के पानी डाल करके यहाँ पर अच्छी तरह से बेसन का घोल तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम सब पकौड़ी बनाते हैं ना, तो उस तरह से ही घोल तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गीला रहेगा, पकौड़ी का थोड़ा टाइट होता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा गीला रहेगा, ठीक है। और बस ये घोल बन के हो गया तैयार। अभी देखिए कच्चू पत्ता को मैं ले ली हूँ, एक कच्चू पत्ता को मैं अपने हाथ में लेकर के, और देखिए इस तरह से मैं चम्मच से जो मैं बेसन का घोल बना करके रखी हूँ उसे मैं इस पर पूरी तरह से अच्छी तरह से लगाना है बेसन के घोल को। तो देखिए पूरा मतलब जितना पत्ता है ना सब में अच्छी तरह से चम्मच के सहारे, हाथ के सहारे, चाकू के सहारे, आप जिस तरह से आपको सुविधा हो तो उस तरह से आप लगाएं। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच से लगा ले रही हूँ, पूरा अच्छी तरह से बेसन को लगा लेना है, बेसन के घोल को इसमें। अब इसको लगाने के बाद यहाँ पर मैं दूसरा पत्ता ले लेती हूँ, और दूसरा पत्ता को देखिए इसी में इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ ना उस तरह से आप रखें, और बस इससे चिपक जाएगा एक दूसरे में। और इसके बाद इसके ऊपर से भी घोल लगाना है, तो बस यहाँ पे मैं इसमें भी घोल अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। बेसन का घोल को पूरी तरह से लगाना है, ताकि इसमें बेसन के घोल से ही टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें जो भी सब्जी मसाले और खटाई सब डाला हुआ है तो बेसन में ही तो है। तो बस देखिए उस पत्ता में भी मैं अच्छी तरह से फैला चुकी हूँ। अब ये तीसरा पत्ता भी मैं ले ली हूँ, इसमें भी इस तरह से ही जैसे मैं रख रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रखी हूँ कच्चू पत्ते को, तो बस इस तरह से इसे भी रख लेना है, और इसमें भी अच्छी तरह से बेसन के घोल को मिला लेना है जैसे मैं मिला रही हूँ देखिए। और बस अच्छी तरह से मिलाने के बाद चौथा पत्ता भी रखना है, 4 पत्ता का मैं बना रही हूँ, तो आपके अगर ज़्यादा बड़ा पत्ता हो तो आप कम पत्ता से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 पत्ते को लगाऊंगी एक में। और बस चौथा पत्ता में भी उस तरह से ही बेसन को लगा लेना है, मतलब बेसन को पूरी तरह से लगाना है जो यहाँ पर बनाए थे घोल उसका। तो बस यहाँ पर भी मैं इसे लगा करके फैला लेती हूँ सब तरफ, सब पत्ता पर फैला लेती हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। अब बस फैल चुका है, इसमें अच्छी तरह से लग चुका है, तो अब इसे मैं मोड़ूंगी। तो मैं देखिए किस तरह से मोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो पहले ऊपर से मोड़ना है, ऊपर से मोड़ने के बाद फिर साइड से मोड़ना है, और साइड से मोड़ने के बाद सबसे नीचे वाला जो है वो मोड़ना है।
तो अच्छी तरह से मुड़ेगा तभी सील होगा बेसन, नहीं तो पानी में जाने के बाद सब घुल जाएगा। तो बस देखिए जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ ना, चारों तरफ से पहले मोड़ लेना है, उसके बाद अब ये पकड़ करके पीछे से, और उसके बाद वहाँ पे देखिए मैं पूरी तरह से मोड़ दी हूँ। अब ये हो चुका है, मुड़ गया है, लेकिन पानी में जब मैं डालूँगी बॉयल कर तो खुल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे धागे से बांधना है इसे। तो बस यहाँ देखिए मैं एक धागा ले ली हूँ और धागे से मैं राउंड राउंड पूरा करके इसे बांध दूँगी, इसी में लपेट दूँगी। तो बस यहाँ देखिए मैं लपेट चुकी हूँ इसे। थोड़ा सा मेहनत है ये सब्ज़ी बनाने में, थोड़ा सा मेहनत है पर बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड को खास तौर से बहुत पसंद है। तो आप सब भी बना कर देखिए इस तरह से, और मैं जिस तरह से बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगेगा ये सब्ज़ी। तो बस सारे पत्तों में मैं जिस तरह से बेसन लगाई थी ना, सब इस तरह से ही मैं बना चुकी हूँ रोल और बांध चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब रोल बन के तैयार है। अब कढ़ाई में गर्म पानी ले लेना है, और जैसे पानी में बॉयल आने लगेगा, पानी जब खौलने लगेगा तब इसको डाल देना है। तो मैं देखिए पानी जैसे बॉयल आ रहा था तो मैं डाल दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए शाम हो चुका है, मैं खा रही टॉफी, अभी जस्ट मैं लाइव से आई हूँ, तो मैं सोची आप सब से बात कर लूँ, वीडियो भी शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो इसीलिए मैं टॉफी खा रही हूँ तो आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए मेरा फेवरेट टॉफी है, मैं नाम अभी नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे वीडियो पे, क्योंकि नाम लेना मतलब किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करना होता है, तो मैं नाम नहीं ले रही बट ऐसे खा रही। तो बस वहाँ पे मैं ढक करके छोड़ दी हूँ, बॉयल अच्छी तरह से आ जाएगा तो अच्छी तरह से पक जाएगा वो। और तब तक यहाँ पे मेरे हस्बैंड टॉफ़ी लाए थे, तो मेरा फेवरेट टॉफ़ी था तो मैं वही खा रही हूँ यहाँ बैठ के जब तक वो पक रहा है। और मेरा बेटा भी यहाँ पे है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे है, तो सब हम लोग साथ में बैठ कर कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं टॉफ़ी खा लेती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी दे रही हूँ कि आप भी लीजिए, खा लीजिए, मेरा फेवरेट टॉफ़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉफ़ी, तो मैं बोल रही हूँ आप भी लीजिए। तो इन्हें उतना हर समय कुछ कुछ नहीं पसंद है, तो बोले नहीं नहीं तुम खाओ, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मुझे मन नहीं है, अभी चाय पीने का टाइम हो रहा है उनका, उनको शाम के टाइम में एक पर चाय ज़रूर चाहिए। तो बस वही बोला चाय पीऊँगा, टॉफ़ी नहीं खाऊँगा अभी। तो ये सब हम लोग की बात हो रहा है यहाँ पर, तब तक मेरा उधर पक भी रहा है, और जब वो पक जाएगा तो उसे पानी से मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं उसे फ्राई करूँगी तेल में। तो बस यही हम लोग बात कर रहे हैं हम बैठ करके यहाँ पे तीनों, और बेटा भी टीवी देख रहा है। तो तब तक यहाँ पे मेरा ये पक चुका था तो मैं पानी से इसे निकाल ली हूँ बाहर, कढ़ाई से जब पक जाएगा तो पानी से निकाल लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से पक चुका है ये, और इसे पकने के बाद धागे को निकाल लेना है, जो मैं धागे बांधी थी ना उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है, नहीं तो फिर सब्ज़ी में चला जाएगा। और बस निकाल करके देखिए मैं जिस तरह से काट कर रही हूँ, कट कर रही हूँ यहाँ पे, उस तरह से ही कटना है। ये काटने से ना मतलब इसका जो होता है ना फीस होता है ना, फीस टाइप का इसका डिज़ाइन बन जाता है इस तरह से काटने से। तो बस यहाँ छोटे छोटे पीस में पतला पतला मैं टोटल जो पका करके रखी हूँ तो मैं सबको काट लेती हूँ, और उसके बाद काट करके मैं इसे तेल में फ्राई करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, और कढ़ाई में डाल दूँ सरसों का तेल, क्योंकि मुझे सब्ज़ी सरसों का तेल में अच्छा लगता है, कोई भी सब्ज़ी मैं सरसों का तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड ऑयल और कोई ऑयल में नहीं बनाती हूँ। तो बस जिस तेल गर्म हो जाता है बस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सारे जो मैं कट करके रखी हूँ, तो सबको एक एक करके मैं डाल देती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बस इसे अच्छी तरह से पूरा कलर चेंज होने तक इसे पका लेना है, उलट पलट करके फ्राई कर लेना है इसको। तो जितने भी मैं इसमें आ जाए एक बार में उतना पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद और जो बचा हुआ है उसे भी मैं डाल लूँगी इसमें। तो आप इस तरह से एक बार सब्ज़ी बनाकर देखिए फ्रेंड्स, कच्चू पत्ता की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, फिश के टाइप का टेस्ट आता है इसमें। तो बस ये देखिए पूरा कलर चेंज हो जाएगा, एकदम करारा सा दिख रहा है ना, करारा करारा टाइप से बेसन पक गए हैं। तो बस यहाँ पे ये पक गया है, तो मैं इसे उलट पुलट के चारों तरफ से पका कर फिर उसे मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया पूरा, तो मैं बस इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में, और जो बाकी के बचे हुए हैं उसे भी मैं तल लूँगी साथ साथ में। तो सारे मैं इसमें से फ्राई करके निकाल चुकी हूँ, और मैं दूसरा जो बचा हुआ था उसे भी डाल लेती हूँ और उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बस अब डाल चुकी हूँ, अब इसके बाद मैं इस फ्राई हो जाएगा तो मैं बनाऊँगी सब्ज़ी का ग्रेवी। तो बस यहाँ पे ये सब हो निकल गए, पका के मैं निकाल चुकी हूँ, उसके बाद मैं ग्रेवी के लिए तेल उसी कढ़ाई में डाली हूँ। तेल जैसे गर्म हो गया तो यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, और जीरा के बाद हींग डालती हूँ, हींग क्योंकि बेसन है ना तो बेसन में हींग जरूरी चाहिए, गैस उसका प्रॉब्लम हो जाता है नहीं तो। बस जैसे हींग और जीरा चटक जाता है तो मैं डाल रही हूँ प्याज, प्याज यहाँ पे दो मैं ली हूँ, एक प्याज से नहीं होता है ऐसा ग्रेवी, थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें ग्रेवी। तो बस दो प्याज और मिर्च और लहसुन इस सब मैं कट करके डाल दी हूँ एक ही बार, देखिए आप देख सकते हैं हरा मिर्च भी इसमें डाली हूँ।
और ये सबको भी मैं थोड़ी देर भून लेना है चलाते हुए कंटिन्यू, मतलब कढ़ाही में न लगना चाहिए। बस मैं इसे 2 मिनट भून लेती हूँ, बस कलर चेंज हो जाएगा इसका। और जितना मैं फ्राई करके रखी थी ना, आप देख सकते हैं सब मैं फ्राई करके रख ली हूँ बाहर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, तो पकौड़ी के जैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ इसका। तो बस यहाँ पे प्याज भून गए थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे डाल दी नमक, क्योंकि उसमें भी नमक डाला हुआ है ना दोस्तों, तो इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है याद से। और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर की ग्रेवी डालती हूँ, 2 टमाटर मैं काट करके रख प्यूरी बना ली थी और उसको मैं डाल दी यहाँ पे, क्योंकि खट्टा इसमें ज़्यादा चाहिए, कच्ची पत्ता काटता है इसीलिए। और बस ये सब पक जाने के बाद मैं मसाला पीसती, जीरा लहसुन अदरक गोलकी हरा मिर्च ये सब मैं पीस लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में, तो उसे डाल देती हूँ 2 चम्मच। और उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों पाउडर। सरसों पाउडर इसमें ज़रूर डालना है, सरसों से पाउडर से ही टेस्ट आता है सब्ज़ी का, तो सरसों पाउडर ज़्यादा मात्रा में डालना है। 2 चम्मच मैं सरसों पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो बस ये सब को डाल के और ये सबको अच्छी तरह से भून लेना है बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए। तो बस मैं इस सबको डाल के भून लेती हूँ थोड़ी देर, और जैसे इसका तेल जब रिलीज हो जाएगा तो बस पानी डाल देना है यहाँ इसमें। तो मैं यहाँ पे भर भर के 2 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि बेसन है ना तो पूरा ग्रेवी को ना अब्जर्ब कर लेता है बेसन, इसीलिए यहाँ पे पानी जो है सो ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैं 2 गिलास डाली हूँ, और जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा तो सारे सब्जी को इसमें मैं डाल देती हूँ जो फ्राई करके रखी हूँ कच्ची पत्ता का सब्जी। और बस इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर खट्टा कम है तो थोड़ा सा और आमचूर पाउडर आप इसमें डाल दें, या फिर टमाटर डाल दें ज़्यादा मात्रा में, तो कुछ भी खट्टा ज़रूर चाहिए इसमें, नहीं तो काटता है गला में लगता है, गड़ता है इस टाइप से, कांटा कांटा ऐसा लगता है, कच्चू पत्ता है ना तो कच्चू से भी तो होता है इसलिए। और बस थोड़ी देर पकने देना है इसे 4-5 मिनट। बस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी सा बन के सब्जी तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठा के साथ, किसी भी नान के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा, यमी सा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसके साथ बना रही हूँ रोटी, क्योंकि ये सब्जी के साथ रोटी अच्छा लगेगा। तो बस रोटी वोटी बना के मैं हम लोग का हो जाएगा डिनर फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है सब्जी, आप सब भी बनाएं इस तरह से। मेरा बैग आया है नया, मेरे हस्बैंड ने बैग लाए हैं नया मेरे लिए स्कूल के लिए, देखिए कितना सुंदर बैग है ना, सुंदर न्यू बैग है। स्कूटी से मैं जाती हूँ ना, तो मतलब कंधा पे टांग के लेके जाती हूँ, तो इसको फिर लाए हैं इसलिए, पर्स बोले रख दो बैग लेके जाना। तो बस पसंद आए मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।